हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी विद सिद्धू। आज मैं थोड़े ना डिस्कस करूँगी मेन फोर पार्ट्स इन दी पीटी। केड़े केड़े मेन फोर पार्ट्स हैगे ने पीटी ते जिन्हें तुसी सब तो ज़्यादा फोकस करना ता कि तुहाडे की ईजली तुहाडे की डिजायर स्कोरस की आ तुसी ईजली अचीव कर सको। राइट, मैं थोड़ा नैक्सट की आ फोर मेन पार्ट्स दसागी जिन्हें तुसी सब तो ज़्यादा की आ फोकस करना। हुण की हुंदा कई स्टूडेंट्स की आ लाइक स्पीकिंग दे विच की है डिस्क्राइब इमेज ते सब तो ज़्यादा फोकस करी जाते हैं। ठीक है, की करते हैं कि वो डिस्क्राइब इमेज के लिए कि अलग अलग टैंपलेट गैदर करी जाते हैं, जिन्हें यूट्यूब तो वीडियो देखते हैं उन्ना ही ज़्यादा की है कन्फ्यूजन उन्ना च की है कन्फ्यूजन आई जाती है। राइट, उन्नी ही कन्फ्यूज हो जाते हैं गे भी असं आह टैंपलेट यूज़ करिए कि वह करिए। जो भी टैंपलेट यूज़ करनी है कुछ भी करो जो थानू की है कंफर्टेबल आ, जो थोड़े लिए जी टैंपलेट कंफर्टेबल आजली बोल सकते हो। राइट, वही तुसी कि टैंपलेट चूज़ कर लो। इदा कोई मैटर नहीं करता कि असं आह टैंपलेट यूज़ करना साढ़े इन्ने स्कोर आ जाएंगे। ठीक है, भी वधिया टैंपलेट यूज़ करांगे साढ़े वध स्कोर आ जाएंगे। टैंपलेट ना कुछ नहीं फर्क पैना गा। ठीक है, थोड़ा बोलन का वे, थोड़ा वो टैंपलेट यूज़ करन का वे की आ सही होना चाहिए, ता ही तुसी की अपने डिजायर स्कोर की ईजली लै सकते हो। टैंपलेट ना कुछ भी नहीं इदा फर्क पैन लग्या, टैंपलेट जिहड़ी मर्जी यूज़ कर लो। ठीक है, डिस्क्राइब इमेज दे विच बट थोनू की उदा बोलन का वे पता होना चाहिए। तुसी डिस्क्राइब इमेज कितने सैकेंड्स बोलना, कई स्टूडेंट हजे भी 40-40 सैकेंड्स बोलते हैं। ठीक है, जिन्ना ज़्यादा बोलोगे उन्नी थोड़ी फंबलिंग होगी, उन्ने पॉज आएंगे। ठीक है, उन्ने थोड़े की मार्क्स की कट हो जाते हैं। ठीक है, सो ट्राई करो जिन्ना घट बोलोगे लाइक, ठीक है, पूरा फ्लूएंट बोलो, 100% फ्लूएंट होवो तुसी। ठीक है, थोड़ी फंबलिंग ना हो। ठीक है, जो भी डिस्क्राइब इमेज लाई कोई भी टैंपलेट यूज़ करनी है, ठीक है, और कॉन्फिडेंस होने चाहिए हो। टैंपलेट डजेंट मैटर, कुछ भी यूज़ कर लो। ठीक है, नैक्सट है डिस्क्राइब इमेज तो फोकस करी जाते, क्योंकि डिस्क्राइब इमेज तो कल्ला फोकस करने स्पीकिंग दे विचों मार्क्स तो नहीं आने लगेगी। ठीक है, एक रिटन लैक्चर से इन्ना फोकस करने के नाल। राइट, सो सब तो ज़्यादा मेन की इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीकिंग लिए तुम मैं दसागी। नैक्सट है राइटिंग दे विच। ठीक है, राइटिंग दे विच एसे दे विच की ज़्यादा स्टूडेंट फोकस करते हैं, समराइज रिटन टैक्स के उत्ते फोकस करते हैं, इन्हों दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, ता कि उन्होंने एवं लगता भी इन्होंने दोनों चीज़ों पर फोकस करने के नाल उन्होंने मार्क्स की ज़्यादा आएंगे। बट इदा कुछ भी नहीं, कोई भी टैंपलेट यूज़ कर लो एसे दे विच। ठीक है, जे तुसी ग्रमैटिकली सही हो, ठीक है, राइटिंग दे विच, ठीक है, फिर कोई भी टैंपलेट तुसी की यूज़ कर सकते हो। राइट, इन दोनों पार्ट्स उत्ते फोकस करन दे नाल तुसी राइटिंग दे विचों अपने की डिजायर स्कोर अचीव नहीं कर सकते गे। राइट, एसे ते समराइज रिटन टैक्स, ठीक है, दोनों दे विचों तुहाडे की आ 15-18 मार्क्स की है तुहाडे की आ राइटिंग दे विच ऐड हुंदे ने। सब तो मेन जिहड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ फॉर राइटिंग लई उह मैं तुहाडे नाल डिस्कस करांगी। राइट, नैक्सट हैगा लिसनिंग। लिसनिंग दे विच की आ समराइज स्पोकन टैक्स उत्ते की तुसी ज़्यादा फोकस करदे हो, वही टैंपलेट यूज़ करते हो। ठीक है, टैंपलेट विच की तुसी ग्रमैटिकली सही होने चाहिए हो। ठीक है, कल्ली समराइज स्पोकन टैक्स के नाल की है थोड़ी लिसनिंग के विचों मार्क्स ज़्यादा नहीं आएंगे। नैक्सट तुम मैं दसागी किहड़े मेन की आ फोर पार्ट्स है ने जो बहुत इंपॉर्टेंट ने गे अपने पीटी के लिए। ठीक है, जो तुसी उन्हां मेन फोर पार्ट्स से फोकस करोगे, सब तो ज़्यादा फोकस तुसी उन्हां मेन फोर पार्ट्स से ही करना। ठीक है, ता कि तुसी अपने स्कोरस की ईजली की आ अचीव कर सको। राइट, फोर पार्ट्स केड़े ने जो बहुत इंपॉर्टेंट ने पीटी दे विच, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, रीडिंग दिया रीडिंग एंड राइटिंग वाली ब्लैंक्स, एक या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ने गे पीटी दे विच। ठीक है, तुसी इन्हां उत्ते सब तो ज़्यादा फोकस करोगे। राइट, तुहाडे स्कोरस की है ईजली आ जाएंगे। ठीक है, तुसी ईजली स्कोरस की अचीव कर सकोगे, जिन्हां नूं की आ 65+ चाहिए ने इस तो पहला। ठीक है, वो इन्हों मेन फोर पार्ट्स से जरूर फोकस कर अपने डिजायर स्कोर अचीव करने लिए 60 वाले भी। राइट, रीड लाउड के थोड़े मार्क्स की आ स्पीकिंग ऐड होंगे ने, थोड़े रीडिंग दे विच भी ऐड होंगे ने, रिपीट सेंटेंस के थोड़े मार्क्स जो स्पीकिंग तो ऐड होंगे ने, थोड़े की आ लिसनिंग दे विच भी थोड़े मार्क्स की आ ऐड होंगे ने, राइट फ्रॉम डिक्टेशन दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर राइटिंग। ठीक है, थोड़े जे मार्क्स ने राइटिंग विच भी ऐड होंगे ने, ते लिसनिंग दे विच भी, रीडिंग एंड राइटिंग दिया जो ब्लैंक्स थोड़े रीडिंग दे विच भी मार्क्स ये ऐड होंगे ने। ठीक है, ये थोड़े मार्क्स और क्या राइटिंग दे विच भी ऐड होंगे ने। राइट, जे तुसी
50% तो अबव मार्क्स लेना चाहते हो स्पीकिंग दे विच, ठीक है। सब तो ज़्यादा फोकस करो रीड अलाउड ते रिपीट सेंटेंस ते, ठीक है। रीड अलाउड ते रिपीट सेंटेंस की है बहुत इंपॉर्टेंट ने गे स्पीकिंग दे लई, ठीक है। इन्हां ते ज़्यादा फोकस करो, डिस्क्राइब इमेज रीटेल लैक्चर ते ज़्यादा फोकस ना करो, ठीक है। नॉर्मली फोकस करो उन्हां ते, ज़्यादा ना उन्हां ते, ठीक है। टाइम अपना वेस्ट करो, सो ज़्यादा की है रीड अलाउड ते रिपीट सेंटेंस नूं अपना वधिया रखो, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ने थोड़ी स्पीकिंग दे लई। नैक्सट लिसनिंग दे विच की है राइट फ्रॉम डिक्टेशन रिपीट सेंटेंस मोस्ट की है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ने गे लिसनिंग दे विच, तुसी की अपनी ज़्यादा मार्क्स लेना चाहते हो, ठीक है। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन ते रिपीट सेंटेंस ते सब तो ज़्यादा फोकस करो। राइट फ्रॉम डिक्टेशन की ऐप जो 100% रिपीट होंगी है और राइट फ्रॉम डिक्टेशन आती है, ठीक है। सब तो ज़्यादा की उन्हें फोकस करो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है थोड़े लिए राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड रिपीट सेंटेंस फॉर लिसनिंग। नैक्सट रीडिंग, रीडिंग दे विच की है सब तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स ने रीड अलाउड स्पीकिंग दे, एक रीडिंग दी ब्लैंक्स हैगी रीडिंग एंड राइटिंग वाली, ठीक है। इन्हें तो सब तो ज़्यादा फोकस करो ता कि थोड़ी की है रीडिंग दिवों की ईजली की है स्कोर आ जा, ठीक है। रीडिंग ते रीडिंग एंड राइटिंग वाली दे विच की है मैं ग्रामर रिलेटेड की है ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हाँ, तुसी वो वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आ, ठीक है, थोड़े रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स के लिए, राइट। नैक्सट राइटिंग दे लई राइट फ्रॉम डिक्टेशन रीडिंग, रीडिंग दे जो ब्लैंक्स आ रीडिंग एंड राइटिंग वाली इन्हें तो सब तो ज़्यादा फोकस करो ता कि थोड़े की है राइटिंग दे विच की थोड़ी मार्क्स की आ तुसी ईजली अचीव कर सको, राइट। जो थानू मेरी वीडियो वधिया लगी शेयर करना, सबसक्राइब करना, राइट। थैंक यू।